असलामुअलैकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सब खैरियत आप इतने रखे। आज हम बनाएंगे बम्बई बिरयानी। इसके लिए मैंने लिए हैं किलो चावल, 1.5 किलो लिए हैं मैंने चिकन, चार से पाँच प्याज मैंने काट लिए हैं, थोड़ी सी ली है मैंने इमली, इसका पल्प निकाल लूँगी मैं, 3 प्याज लिए हैं मैंने, इनको कर लिया है फ्राई, 3 टमाटर लिए हैं उनको मैंने पीस करके काट लिए, 1.25 आलू लिए हैं मैंने, थोड़े से लिए हैं मैंने मसाले, साबुत धनिया लिया है, गरम मसाले लिए हैं, इनमें मैंने लिया है बादियान, थोड़ी सी ली है मैंने दालचीनी, 3 से 4 ली है मैंने लौंग, काली मिर्च ली है, ज़ीरा लिया है, इनको मैंने भून लिया है तवे पे, थोड़ा सा मैंने लिया है फूड कलर, इसमें से ले लूँगी, 8 से 9-10 लिए हैं मैंने आलू बुखारे, 4 लिए हैं मैंने टमाटर, इनको मैंने पीस लिया है, थूम ले लिया है, इसको मैंने पीस लिया है, 1/2 टीस्पून लिया है मैंने नमक, थोड़ी सी ली है मैंने कलवंजी, चम्मच लिया है मैंने धड़ा मिर्च, 2 चम्मच लिए मैंने चाट मसाले के, चम्मच ली है मैंने लाल मिर्च। बनाना स्टार्ट करते हैं हम। थोड़ा सा लिया है मैंने ज़ीरा, काली मिर्च, उसको घी में डाल दूँगी, दो चम्मच लिए थे मैंने घी के, इसमें डाल दूँगी आलू, हल्का सा फ्राई करूँगी। हमारे आलू ब्राउन हो गए हैं थोड़े थोड़े, इनको हमने फुल नहीं पकाना, उसके बाद निकाल लेंगे। मसाले डालना शुरू करेंगे, नमक डालेंगे पहले, कलवंजी, साथ ही लाल मिर्च डालेंगे, धड़ा मिर्च भी, साथ ही चाट मसाला डाल देंगे। अब इन मसालों को मिक्स करेंगे। उसके बाद हम धनिया डालेंगे पिसा हुआ, हर चीज़ को साथ साथ मिक्स करते जाएंगे और मसाले को अच्छे से हमने भून लेना है। उसके बाद इमली का पल्प डालूंगी, अगर इमली का पल्प नहीं है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, 1 से 2 नींबू। साथ ही हमने जो दालचीनी डाली थी और 3 से 4 लौंग थे उनको हमने पीस लिया, इलायची को भी, टमाटर डाल देंगे, कटिंग करते हैं अच्छे से, टमाटर को भी डालेंगे,
एंड चावला का। टमाटरों को भूनने के बाद हम आलू डाल देंगे बीच में। उसके बाद हम एक कप दही डालेंगे। अगर आपके पास क्रीम है तो आप क्रीम भी डाल सकते हैं। उसके बाद आलू बुखारे डालेंगे। इनसे टेस्ट अच्छा आता है। पुदीना डाल देंगे। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो आप वो भी डाल लें। जो हमने प्याज फ्राई किया था वो डाल देंगे। एक मिर्च काट ली थी हरी, वो डालेंगे। चावलों को अच्छे तरीके से धोएंगे 2 से 3 बार। अब काली मिर्च डाल देंगे बीच में। अब पानी रख दिया था हमने गर्म होने के लिए। 1 चम्मच हमने नमक डाल दिया। 3 से 4 पत्ते तेज़पात के हमने डाल दिए। चावल डाल देंगे बीच में। चावल हमने इतने पकाने हैं कि ये टूट जाए बीच से, ज़्यादा हमने नहीं पकाने चावल। हमारा मसाला हमने डालना है। पहले सारा मसाला हम नीचे डालेंगे। सारे चावल डालेंगे ऊपर। फूड कलर लेंगे चुटकी सा। इसमें दूध भी आप मिला सकते हैं, दही भी आप मिला सकते हैं। मैंने पानी मिला लिया था। ऊपर डाल देंगे, पुदीना रखेंगे, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं आप। हमने 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया था इसको दम पे। आप इसको चमचे से मिक्स नहीं करना, प्लेट से मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मसाला हमारा सारे चावल मिक्स हो गए।
रेडी हो चुके हैं, सर्व करेंगे आप। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। दुआ में हमें याद रखिए।